हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीप। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड जो फ्रेंड्स लगभग 1.5 साल से है, वो है शाओमी। तो ये शाओमी इस ब्रांड का जो पॉलिसी है आज का वीडियो है उसके बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो शाओमी है वो हमको आफ्टर सेल सपोर्ट में कैसे सपोर्ट करता है और शाओमी क्या गलत कर रहा है इंडिया में उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि लगभग 1.5 साल से इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है शाओमी। ये शाओमी 1.5 साल से जो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है वो है सेल्स के ऊपर। यानी कि शाओमी ने इस 1.5 साल में अपने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में बेचे हैं। तो फिर आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ, शाओमी सभी क्षेत्र में इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। ये गलत है। सिर्फ सेल्स के मामले में शाओमी इंडिया में नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में तो हम शाओमी ने जो जो अच्छा काम किया है, यानी कि शाओमी ने जो अच्छी चीजें हमको प्रोवाइड की है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में शाओमी जो गलत कर रहा है इंडिया में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में आ जाते हैं कि शाओमी ने हमको जो अच्छा चीजें प्रोवाइड की है। पहले तो शाओमी ने हमको सबसे पहले जो है प्राइस टू परफॉर्मेंस और प्राइस टू स्पेक, आप जो भी कह सकते हैं, वो हमको सबसे पहले दिया। यानी कि शाओमी के जो प्रोडक्ट्स है, मेनली मैं स्मार्टफोन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। यानी कि शाओमी के जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर हम जो खर्च करते हैं लगभग उसी अमाउंट का हमको परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। यानी कि जो शाओमी के स्मार्टफोन के ऊपर हम जितना खर्च करते हैं हमको उतना ही बजट का एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, रैम भी अच्छा मिल जाता है, स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाता है। और शाओमी का जो कैमरा है, हाँ, वो ऑन एवरेज ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन एवरेज चल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया शाओमी ने जो जो अच्छा काम किया है। यानी कि फ्रेंड्स, शाओमी ने हम जितने पैसे एक फोन के ऊपर खर्च कर रहे हैं हमको वही उसी का इक्विवेलेंट हमको स्पेक्स दिया। इसलिए फ्रेंड्स, सब लोग पहले शाओमी खरीदते थे और शाओमी का ये जर्नी ठीक ठाक से शुरू हुआ रेडमी नोट 3 से, और उसके बाद रेडमी नोट 4, नोट 5, नोट 5 प्रो, और आज का सिनेरियो तो आप जानते ही है क्यों शाओमी इंडिया का नंबर वन टॉप स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बन के बैठा है। तो ये तो हुआ कि शाओमी हमको जो हम पैसे शाओमी को देते थे उसके हिसाब से हमको इक्विवेलेंट स्पेक्स देता था और फोन का बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा था, स्क्रीन भी अच्छा था। फ्रेंड्स, हम यही तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम जितने पैसे एक ब्रांड को एक प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं वो ब्रांड एक अच्छा प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करे। यही शाओमी ने किया है और इसीलिए सब लोग शाओमी के प्रोडक्ट इतने खरीदते हैं। शाओमी ने कोई अपना कोई मार्केटिंग नहीं किया वीवो ओप्पो की तरह, उसने सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड किया गुड प्राइस में। इसीलिए सब ने हमने पहले उसको खरीदा, जब हमको अच्छा लगा फिर हमने रिकमेंड किया, और इसीलिए शाओमी अब भी इंडिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड है। ये तो हुआ शाओमी ने जो अच्छी चीजें की है, यानी कि जो गुड चीजें हमको प्रोवाइड की है। फ्रेंड्स, अब आते हैं शाओमी ने जो बैड चीजें की है, यानी कि जो बैड चीजें कर रहा है और जिसको उसको बंद करना चाहिए इसके बारे में। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, यानी कि शाओमी जो बुरी चीजें कर रहा है अपने यूजर्स के साथ उसके बारे में। शाओमी को लेकर पहले से ही एक कॉम्प्लेन तो था ही कि शाओमी का सर्विस इतना अच्छा नहीं था। हाँ, मेट्रो सिटीज में, यानी कि जैसे मुंबई, दिल्ली, इस जैसे मेट्रो सिटीज में तो सर्विस अच्छा था, लेकिन रूरल एरियाज में शाओमी का सर्विस अच्छा नहीं था। आप मानोगे नहीं, लेकिन ऐसा भी सुनने को आया था कि कोई, जैसे आप देख ही सकते हैं कि मैं दो शाओमी का प्रोडक्ट लेके बैठा हूँ, एक है ब्लूटूथ स्पीकर बेसिक 2 और रेडमी नोट 4। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि फ्रेंड्स, कि किसी ने शाओमी का कोई प्रोडक्ट परचेस किया था और उसके प्रोडक्ट में कुछ खराबी आई तो फिर उसने उसको सर्विस सेंटर में लेके गया, लेकिन शाओमी के ऑफिशियल्स ने, यानी कि जो सर्विस सेंटर में बैठे हैं, उन्होंने सर्विस देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका कोई बॉक्स नहीं था। हाँ, बॉक्स में IMEI नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो तो आपके प्रोडक्ट में भी होता है, हम तो आराम से उस प्रोडक्ट से भी उस IMEI नंबर को निकाल सकते हैं। और जो एक्सक्यूज दिया उनने, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
इस बॉक्स में ये बेसिक हमको लीफलेट मिलता है। आपसे ये लीफलेट खो सकता है, गुम हो जा सकता है, कहीं पर भी आपको शायद आपको पता ही नहीं चलेगा ये लीफलेट कहाँ चला गया। तो Xiaomi का जो सर्विस सेंटर में जो लोग बैठे थे उन्होंने इसलिए उस प्रोडक्ट को सर्विस देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास ये बेसिक लीफलेट नहीं था। तो फिर अगर एक यूजर के पास ये बेसिक लीफलेट नहीं होगा तो आप वारंटी नहीं दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप बता ही दो कि हाँ हम इस प्रोडक्ट के साथ वारंटी नहीं देंगे, यानी कि किसी यूजर को ये आशा दिला के कि हाँ हम वारंटी देंगे अगर कुछ हो जाए एक साल में, फिर आप ये कारण दिखा के वारंटी नहीं देते। इससे अच्छा है कि आप बता ही दो कि हाँ हम इस प्रोडक्ट के साथ पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के साथ वारंटी नहीं देंगे। और रूरल एरियाज में तो ये Xiaomi का तो कोई अगर स्टोर नहीं हुआ तो फिर वो किसी और वेंडर को देता है कि वो प्रोडक्ट्स रिपेयर करके दे, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनके पास सब अवेलेबल नहीं होता, यानी कि स्क्रीन अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और बेसिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो रिपेयर होने में बहुत टाइम जाता है। ये भी एक अनाइन चीज़ है Xiaomi को इसके ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते ही है कि ऑफलाइन मार्केट में अभी भी लोग ओप्पो, वीवो और सैमसंग ये तीन ब्रांड के फोन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको ये कुछ सर्विसिंग का कुछ लफड़े में आना ही नहीं है। इसलिए लोग ऑफलाइन में ओप्पो, वीवो और सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि उनका आफ्टर सेल सपोर्ट Xiaomi से बहुत बेहतर है। तो फिर Xiaomi को इस बात के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि वो अपने आफ्टर सेल सपोर्ट को भी इम्प्रूव करे अगर Xiaomi इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बने रहना चाहता है। तो ये तो हो गया सेल्स सपोर्ट की बात। तो अब आते हैं Xiaomi का ये जो फ्लैश सेल का फंडा है उसकी बात पे। फ्रेंड्स आप जानते ही है कि Xiaomi अपने हर स्मार्टफोन फ्लैश सेल में ही लॉन्च करता है और एक ही प्रोडक्ट का ये फ्लैश सेल चलता ही रहता है, खत्म लेने का नाम ही नहीं लेता। तो इसलिए यूजर भी फेडअप हो जाता है कि कितने दिन वो इस फ्लैश सेल के लिए वेट करें, और इसका कुछ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, यानी कि Xiaomi तो बता देता है कि हाँ हमारे स्मार्टफोन एक सेकंड में बिक गए, दो सेकंड में बिक गए, लेकिन आपने टोटल कितने यूनिट्स फ्लैश सेल में लाए थे वो तो बताइए। तो फिर एक यूजर के पास वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हाँ इतने इतने प्रोडक्ट इतने सेकंड्स में बिक गए। और जो Xiaomi प्रोडक्ट का जो ये जो स्मार्टफोन का जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसके ऊपर भी Xiaomi को ध्यान देना होगा। यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं Redmi Note 5 Pro, ये फोन 15,000 का है जो है 464GB वाला वेरियंट। तो इसको इस कोई कोई वेंडर्स इसको तो 15,000 में Xiaomi के EMI.com या फिर Amazon से खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर ऑफलाइन में उसको 17,000, 17,500, 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा में बेचते हैं। तो ये तो इस प्रोडक्ट का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, इसके ऊपर भी Xiaomi को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लोग तो फ्लैश सेल में उसके प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहे हैं, और जो जेन्युइन Xiaomi के यूजर है जो Xiaomi खरीदना चाहते हैं उनको 2-2.5 हज़ार रुपये सेम फोन के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो फिर एक यूजर कितने दिन तक एक ब्रांड के ऊपर भरोसा बनाए रखेगा। तो इसके लिए भी Xiaomi को इस फ्लैश सेल का फंडा जितना जल्दी हो सके क्लियर कर देना चाहिए। ये तो हो गया फ्लैश सेल की बात। और फ्रेंड्स अब एक और बात पे आते हैं Xiaomi का, जो मुझे पहले सबसे अच्छा बात लगता था कि हाँ 5,000 रुपये अगर आपके पास बजट है 5,000 रुपये तो आप ये फ़ोन खरीदे, 7,000 रुपये तो ये फ़ोन खरीदे, 10,000 रुपये तो ये फ़ोन खरीदे, 15,000 तो ये फ़ोन खरीदे। तो फिर ऐसे ही प्राइस के हिसाब से उसका अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग फ़ोन था। तो फिर हम यूज़र के पास और इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी था कि हाँ अगर हमारे पास पैसे इतने हैं तो फिर हम ये फ़ोन खरीदेंगे क्योंकि उस बजट में उस फोन में हमको सबसे बेहतर चीजें मिल रहा था दूसरे ब्रांड के कंपेयर में। तो फ्रेंड्स Xiaomi अब तो खुद के प्रोडक्ट के साथ ही कंपटीशन कर रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स Redmi Note 5 लॉन्च हुआ था, वो लगभग 10,000 का लॉन्च हुआ था, तो फिर कुछ दिन तो वो बिका, उसके बाद ही Redmi Y2 आ गया। Y2 में हमको रियर में डुअल कैमरा दे दिया जो Note 5 Pro में था, और Note 5 में सिंगल कैमरा था रियर में, और जिस यूजर को 10,000 रुपये का बजट था उसको रियर में डुअल कैमरा चाहिए था लेकिन वो नहीं ले पाया तब उसने Note 5 ले लिया। अब Xiaomi ने Y2 निकाल दिया जिसमें रियर में डुअल कैमरा था, तो वो यूजर क्या समझेगा कि हाँ अगर मैं कुछ दिन वेट करता तो फिर मैं Y2 ले लेता था, तो फिर
तो उसके पास ये नोट 5 जो था वो तो आप उसके लिए यूजलेस हो गया ना, क्योंकि उसका तो डिजायर था कि हाँ वो रियर में डुअल कैमरा वाला फोन लेगा, लेकिन उसका बजट नहीं था इसलिए नहीं ले पाया। और आप अभी उस बजट में सेम स्पेक लाके हाँ थोड़ा सा बैटरी को घटा के थोड़ा सा स्क्रीन का रेजोल्यूशन घटा के एक डुअल कैमरा वाला फोन लिया है, तो फिर आप खुद का ही फोन के साथ क्यों कम्पीट कर रहे हैं और इतने प्रोडक्ट्स क्यों? सेम बजट में 5,000 रुपए में 3 प्रोडक्ट्स है, 7,000 रुपए में 10 प्रोडक्ट्स है, तो फिर इतने प्रोडक्ट्स क्यों? एक यूजर तो नॉर्मल यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सा ले। तो फिर जो यूजर स्टिकी नहीं है उनके पास एक ही प्राइस रेंज में एक ही कंपनी का इतना ऑप्शन अवेलेबल है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें भी Xiaomi को ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। Xiaomi एक काम कर सकता है, एक प्राइस रेंज पकड़े 5,000, 7,000, 10,000, तो फिर इस प्राइस रेंज में एक या फिर 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा और यूजर के लिए समझने में आसानी होगा कि हाँ हमारा प्राइस हमारा बजट इतना है हम ये फोन लेंगे। और Xiaomi एक और चीज कर रहा है, जैसे कि इंडिया में बहुत से लोग A2 का वेट कर रहे हैं लेकिन A2 लॉन्च नहीं करके वो दूसरे फोन को लॉन्च कर दे रहा है, तो फिर Xiaomi को ये भी इस मार्केट को स्टडी करना चाहिए कि हाँ यूजर कौन से फोन के लिए वेट कर रहा है, तो उस हिसाब से अपना फोन लॉन्च करे तो फिर Xiaomi का सेल्स भी बढ़ेगा और यूजर भी खुश हो जाएंगे। और फ्रेंड्स Xiaomi ने एक और काम किया है जो मैंने पहले देखा है कोई स्मार्टफोन ब्रांड के, कोई स्मार्टफोन लॉन्च के बाद हम ज्यादातर क्या देखते हैं, कुछ दिन बाद उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है, लेकिन Xiaomi अपने नोट 5 प्रो में जो 464GB वाला वेरियंट था 14,000 में लॉन्च हुआ था उसका प्राइस 1,000 रुपए बढ़ा दिया, सीधा 15,000 कर दिया। ये भी एक गलत बात है कि फ्रेंड्स जिसने तो पहले 14,000 में खरीद लिया और अब जो नया जो यूजर खरीदना चाहते हैं उसको 1,000 रुपए सेम फोन के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है। आप अपने प्राइस को फिक्स करें और उसी में स्टेबल रहे कि हाँ हमारा फोन का प्राइस इतना ही होगा, कोई आगे कोई पहले खरीदे या फिर कोई बाद में खरीदे, फोन का प्राइस तो इतना ही रहेगा। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि मैं कोई किसी ने मुझे पैसे दिया है इसके लिए मैं Xiaomi की बुराई कर रहा हूँ, Xiaomi को जो जो फील्ड में इम्प्रूव करना चाहिए मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स एक कंज्यूमर को अगर कोई Xiaomi का प्रोडक्ट खरीदने चाहे तो फिर उसको क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स Xiaomi तो मेरा भी एक बहुत ही फेवरेट ब्रांड है क्योंकि उसने हमको हमेशा ही हमने जो उसको प्राइस दिया है उस हिसाब से ही उसने हमको इक्विवेलेंस स्पेक्स दिए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। Xiaomi तो हमेशा ही हमने उसको जो प्राइस पे किया है उसके हिसाब से उसके इक्विवेलेंट हमको स्पेक्स दिए हैं, तो फिर इसकी वजह से ही मैं Xiaomi के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, जैसे कि ये जो Mi Basic 2 है वो भी Xiaomi का है, ये जो शूट हो रहा है वो फ्रेंड्स Redmi Note 3 से हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही मेरा कोई राइवल नहीं है Xiaomi से, मैंने सिर्फ उसको बताया कि हाँ उसको किस सेगमेंट में इम्प्रूव करना चाहिए, और फ्रेंड्स Xiaomi जो अच्छा काम कर रहा है वो भी मैंने पहले बताया। तो फ्रेंड्स ये था Xiaomi के ऊपर एक टोटल रैप अप वीडियो। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको Xiaomi के ऊपर ये टोटल समम वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी Xiaomi के पॉलिसीज के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो है SSD के ऊपर, यानी कि आपके कंप्यूटर में आपको कितने GB के SSD लगाना चाहिए और एक कंप्यूटर में SSD लगाने के कितने क्या फायदे हैं उसके ऊपर। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स बाय।